25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय ठग हुआ गिरफ्तार। जनपद भर में वांछित अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी व पुरानी विवेचनाओं के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हरदोई पुलिस ने 25,000 के इनामी अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बताते चले कि जनपद के थाना मल्लावा क्षेत्र के गांव मोहल्ला गंगारामपुर की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत 102/2016 धारा 419, 420, 468, 471 IPC व 66D IT एक्ट के विवेचक निरीक्षण अपराध शाखा संतोष तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा लगभग 4 वर्ष से लंबित विवेचना में अभियुक्त नंदलाल पुत्र शिव कुमार निवासी धन सिंगरा थाना महकार जनपद गया राज्य बिहार को अभियुक्त नंदलाल के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नंदलाल ने वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ मिलकर 47 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 83 CRPC कुर्की का आदेश पारित किया गया था। अभियुक्त नंदलाल पर हरदोई पुलिस अधीक्षक के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि अभियुक्त नंदलाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सापेक्ष पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनपद में पुरानी विवेचनाएं और जो लंबे समय से वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी और धरपकड़ का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में 2016 में एक 47 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें जो अभियुक्त था नंदलाल पुत्र शिव कुमार, जो जनपद गया राज्य बिहार का रहने वाला है, ये पिछले 4 साल से इस मुकदमे में वांछित था। इसको हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संतोष तिवारी ने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं कि इसके खिलाफ 83 की जो कुर्की की कार्रवाई है उसका आदेश हो चुका था। ये एक प्रॉब्लम ऑफेंडर भगोड़ा इसको घोषित किया जा चुका था और इस पर 25,000 का इनाम हो चुका है। अब इसकी गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच टीम ने की है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। गिरफ्तारी करने के पश्चात इसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।